बच्चों दूसरी इकाई के नौ पाठ में हम मुझे पहचानो इसके बारे में जानकारी ली है। यह जो पाठ है अब आज हम पाठ 10 मुझे जानो यह पाठ हम आज देखेंगे। तो मुझे पहचानो में हमें कई वस्तुएं आकारों के बारे में जानकारी ली है। तो मुझे जानो इस पाठ में कुछ वस्तुओं एवं प्राणियों के चित्र दिए गए हैं। तुम्हें अपनी किताब निकालकर पाठ नंबर 39 पाठ 10 मुझे जानो यह पाठ निकालना है और यह जो चित्र दिए गए हैं यह चित्र तुम्हें देखना है, पहचानना है और उसका देवनागरी तथा रोमन लिपि में हमें क्या करना है, नाम लिखना है। तो तुम अपनी किताब निकालिए और चित्र देखिए। पहले मैं यह जो चित्र दिए गए हैं इन चित्रों के नाम जो है वे नाम देवनागरी लिपि एने हिंदी में और रोमन लिपि इसे अंग्रेजी में लिखवाना है। तो पहले मैं क का की जो बाराखड़ी होती है यह बाराखड़ी रोमन लिपि में कैसे लिखते हैं, रोमन लिपि ने अंग्रेजी में कैसे लिखती है यह पहले हम देखेंगे। तो पढ़ो और समझो। मैं फलक पर क का की जो बाराखड़ी है वह बाराखड़ी रोमन लिपि में कैसे लिखते हैं यह देखेंगे। तो अपनी बही निकालिए और यह बाराखड़ी जो है वह बाराखड़ी लिखिए। पहले पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। क बाराखड़ी है यह, क इसे देवनागरी में क्या करते हैं देखिए, देवनागरी लिपि में क क के का के आर का के आर के अधिक ए बराबर का। पहली विलान की क का की यह कैसे लिखते हैं देखिए अंग्रेजी में एने रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे बाराखड़ी जो है रोमन लिपि में कैसे लिखते हैं तो के अधिक आर की। दूसरी लिपि क की दूसरी वेलांकी की के अधिक ई के अधिक ई की के अधिक ई अधिक ई की। को पहला उकार कु को पहला उकार कैसे लिखते हैं देखिए कु के अधिक यू के अधिक यू कु। का दूसरा उकार कु के अधिक ओ इंग्रजी में रोमन लिपि में कैसे लिखते हैं देखिए कु के अधिक ओ कु। अभी आगे क्रू शब्द कैसे लिखते हैं देखिए बच्चों, क्रू क्रू के यह जो है अलग शब्द है क्रू कृषक हम तुम किताब में देखते होंगे क्रू कैसे लिखते हैं तो क्रू कैसे लिखते हैं देखिए क्रू के अधिक आर क्रू के अधिक आर अधिक यू क्रू के अधिक आर अधिक आय सॉरी के अधिक आर अधिक आय क्रू के 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 बरोबर के अधिक ई के अधिक ई के कई कवर दोन मात्रा कई कई बरोबर के अधिक ए अधिक आय
ए अधिक आई बरोबर कई। क ओ एक मात्रा काना मात्रा, के अधिक ओ कऊ, को कैसे लिखते हैं? तो के अधिक ओ को के अधिक ओ बरोबर को। क को काना दो मात्रा, को काना दो मात्रा बरोबर के अधिक ए अधिक यू, के अधिक ए अधिक यू बरोबर कऊ, के अधिक ए अधिक यू बरोबर कऊ। कवर अनुस्वार होता है कम, कवर अनुस्वार कम, इसका रोमन लिपि में कैसे लिखना चाहिए? के अधिक ए अधिक एन, के अधिक ए अधिक एन कम अनुस्वार है कवर, के अधिक ए अधिक एन बरोबर कम। और कहा यह जो है वह रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे? तो के अधिक ए अधिक एच, के अधिक ए अधिक एच बरोबर कहा। तुम्हें मालूम हो गया होगा कि क का की की जो बाराखड़ी है वह बाराखड़ी हमें रोमन लिपि में एने अंग्रेजी में यह तुम्हारे सामने लिखाया गया है। तुम भी अपनी बही में लिखा होगा क बरोबर, और देखिए क बरोबर के का, के अधिक ए की, के अधिक आई की, के अधिक ई अधिक ई कु, के अधिक यू कु, के अधिक ओ कु क्रू, के अधिक आर अधिक आई क्रू, के अधिक ई के कई, के अधिक ए अधिक आई कई, को के अधिक ओ को कऊ, के अधिक ए अधिक यू कऊ, के अधिक ए अधिक एन, और कहा के अधिक ए अधिक एच बरोबर कहा। यह हुआ क का बाराखड़ी की रोमन लिपि में हमें लिखा है। अब देखिए बच्चों, यह जो पान नंबर 39 पर चित्र दिए गए हैं, यह जो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के हिंदी में रोमन लिपि तथा मराठी में हमें क्या करना चाहिए? नाम लिखना है। तो अपनी किताब निकाल दिया है तो चित्र देखिए, यह चित्र जो है उन चित्रों देखकर उसके हिंदी रोमन मराठी में हमें क्या करना है? नाम लिखना है। तो मैं यहाँ तुम्हें नाम लिखती हूँ, चित्र और उसके नाम क्या करते हैं यह हमें देखेंगे। चित्रों के हिंदी रोमन लिपि तथा मराठी में नाम लिखो। चित्रों के हिंदी रोमन लिपि तथा मराठी में नाम लिखो। देखिए बच्चों, पहला चित्र तुम्हें दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं? तुम हर रोज उसका उपयोग करते होंगे। पहला चित्र हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है तुम्हें? हिंदी में पहले चित्र का नाम है सिक्का। पहला चित्र किसका है? सिक्का। हम हिंदी
मराठी रोमन और मराठी नाम लिखेंगे पहले, हिंदी रोमन और मराठी में इसके नाम हमें लिखना है। पहला चित्र है सिक्का, पहला चित्र है सिक्का, हिंदी में इसे क्या कहते हैं सिक्का। तो रोमन लिखे रोमन लिपि में तुम कैसे लिखेंगे सिक्का, एस आई के ए। अभी हमने जो बारह कड़ी देखी है क का की, वैसे ही क से लेकर न तक बारह कड़ी तुम्हें लिखना है। तो तुम्हें यह सभी जो चित्र है इन चित्रों के रोमन लिपि में तुम्हें नाम लेखन करना आता है। तो सिक्का इसका रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे तुम, एस आई डबल के ए सिक्का, एस आई डबल के सिक्का। और मराठी में इसे क्या कहते हैं सिक्के को, नाणी। सिक्के को मराठी में क्या कहते हैं, नाणी। एक रुपए का सिक्का उसे मराठी में नाणी कहते हैं, नाणी। दूसरा चित्र देखिए, दूसरा चित्र है फाउंटेन पेन। यह पहला चित्र हुआ, अभी दूसरा चित्र देखिए। फाउंटेन पेन है हिंदी में, रोमन लिपि में और मराठी में। जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों का निरीक्षण करो। दूसरा चित्र किसका है, फाउंटेन पेन, हिंदी में इसे फाउंटेन पेन कहते हैं, फाउंटेन पेन। हाँ तुम्हें भी मालूम हो गया होगा, अब हमें क्या करना है रोमन लिपि में लिखना है फाउंटेन पेन। उसका फाउंटेन पेन का रोमन लिपि में क्या अर्थ होगा, एफ ओ यू एन। स्पेलिंग देखिए बच्चों, रोमन लिपि में फाउंटेन पेन एफ ओ फाउंटेन एफ ओ यू एन एफ ओ ओ यू एन टी ए टी एन फाउंटेन टी ए टी एन एफ ओ यू एन टी ए आई एन आई एन टी ए आर एन और पेन पी ई एन पेन फाउंटेन पेन। और हिंदी में मराठी में इसे क्या कहते हैं, फाउंटेन पेन ही कहते हैं। मराठी में भी हिंदी में भी और मराठी में भी इसे क्या कहते हैं, फाउंटेन पेन ऐसे कहते हैं। तो दो वस्तुएं वस्तु जो है इन यह जो दो वस्तुएं हैं इनके नाम हम क्या करेंगे लिखे हैं हिंदी में सिक्का फाउंटेन पेन, हिंदी रोमन और मराठी में। अभी तीसरी वस्तु कौन सी है देखिए, तीसरी वस्तु है रिकॉर्ड, तीसरी वस्तु है रिकॉर्ड। हिंदी में मराठी में रोमन लिपि में कैसे लिखते हैं देखिए, हिंदी में तीसरी वस्तु का नाम है रिकॉर्ड और इसे रोमन लिपि में कैसे लिखते हैं देखिए और मराठी में इसका अर्थ क्या है देखिए। रिकॉर्ड रोमन लिपि में लिखना है आर आई सी ए आर डी रिकॉर्ड, आर आर सी ए आर डी रिकॉर्ड, आर आई सी ए आर डी रिकॉर्ड। और इसे मराठी में क्या कहते हैं, रिकॉर्ड ही कहते हैं। हिंदी और मराठी में एक ही नाम होते हैं, मराठी में भी इसे क्या कहते हैं, रिकॉर्ड ही कहते हैं। और तुम्हें चौथा चित्र दिखाई दे रहा होगा, चौथा चित्र है हिंदी में इसका नाम क्या है देखिए, हिंदी में चौथे चित्र का नाम है जहाज। हिंदी में चौथे चित्र जो है
और चौथा चित्र कौन सा है? जहाज। रोमन लिपि में यह कैसे लिखते हैं? तो जे ए एच ए जे। रोमन लिपि में क्या लिखते हैं? जे ए एच ए जे, जहाज। जे ए एच ए जे, जहाज। और मराठी में इसे क्या कहते हैं? जहाज ही कहते हैं। मराठी में इसका नाम क्या आता है? जहाज। अभी देखिए, यह जो उच्चारण हम करते हैं जहाज, वैसे ही रोमन लिपि में जे ए एच ए जे, यह अंग्रेजी में रोमन लिपि में आता है। तो पांचवा चित्र कौन सा है? देखिए, पांचवा चित्र तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्याला है। प्याला बच्चों, पांचवा चित्र प्याला। हिंदी में पांचवें चित्र को क्या कहते हैं? प्याला। प्याला रोमन लिपि में तुम कैसे लिखेंगे? जो उच्चार आता है वैसे ही रोमन लिपि में हमें लिखना है। पी वाई ए एल ए, प्याला। पी वाई ए एल ए, प्याला। पी वाई एल ए, प्याला। इसका मराठी में अर्थ होता है पेला। हिंदी में हम क्या करते हैं? प्याला। और रोमन लिपि में क्या आता है? पी वाई एल ए, प्याला। और मराठी में उसका अर्थ होता है पेला। अभी देखिए, आगे का चित्र किसका है? छह चित्र जो है वह तुम्हें ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है। ट्रांजिस्टर हिंदी में इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। छह अंक, छह अंक हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इसको रोमन लिपि में क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टर। टी आर ए एन एस आर एस टी ओ आर, ट्रांजिस्टर। टी आर ए एन, टी आर ए एन, ट्रांजिस्टर। एस आर एस टी ओ आर, एस आर एस टी ओ आर, ट्रांजिस्टर। और इसे मराठी में क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर ही कहते हैं। मराठी में उसका नाम क्या होता है? ट्रांजिस्टर ही होता है, ट्रांजिस्टर। इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। आगे का चित्र सात अंक देखिए। सातवां अंक हिंदी में तुम्हें जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ब्रश दिखाई दे रहा है। देखिए, ब्रश हिंदी में उसे ब्रश कहते हैं। ब्रश चित्र में देखिए, ब्रश उसका रोमन लिपि में क्या अर्थ होता है? देखिए, रोमन लिपि में इसे कहते हैं बी आर ए यू एस एच, ब्रश। रोमन में कैसे लिखना है? बी आर यू एस एच, ब्रश। और मराठी में भी उसे क्या कहेंगे? ब्रश ही कहेंगे। मराठी में भी उसे क्या कहते हैं? ब्रश कहते हैं। आगे का चित्र है, तुम अभी देख रहे हो और तुम्हारे हाथ में भी हो, उसका नाम है मोबाइल। यह चित्र जो है दिख रहा है तुम्हें, उसका नाम है आठवां अंक है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? मोबाइल। यह मोबाइल का चित्र है और यह मोबाइल जो है इसको रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे? एम ओ बी आई एल ई, मोबाइल। एम ओ बी आई एल ई, मोबाइल। एम ओ बी आई एल ई। और मराठी में इसे क्या कहते हैं? मोबाइल ही कहते हैं।
मराठी में भी इसे क्या कहते हैं, मोबाइल ही कहते हैं। देखिए बच्चों, यह जो आठ अंक है मोबाइल का ही है चित्र, और नौवा अंक है तश्तरी, तश्तरी दिखाई दे रही है तुम्हें, तश्तरी हिंदी में उसे क्या कहते हैं, तश्तरी कहते हैं, तश्तरी। नौ अंक हिंदी में जो चित्र दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, तश्तरी। और रोमन लिपि में भाई कैसे लिखेंगे, टी ए एस एच टी ए आर आर, टी ए एस एच तश्तरी, टी ए एस एच टी ए एस एच टी ए आर आर, टी ए आर आर तश्तरी। इसका मराठी में अर्थ होता है बशी, मराठी में क्या होता है अर्थ, बशी। तश्तरी को क्या कहते हैं, बशी कहते हैं, बशी। तुम चाय पीते होंगे उसे कप बशी, उसका है और तश्तरी ने बशी। अगला चित्र है दस अंक पेटी, दस अंक दसवां अंक पेटी हिंदी में क्या है ना, अगले चित्र का नाम है पेटी। यह पेटी जो है रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे, पी ई टी आर पेटी, पी ई टी आर पेटी। और मराठी में उसका अर्थ क्या होता है, पेटी ही होता है। अगला चित्र है ग्यारह, ग्यारहवां जो चित्र दिखाई दे रहा है तुम्हें वह ग्यारहवां चित्र है ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर से खेती में काम करने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किसान करते हैं। तुम्हें मालूम होगा यह ट्रैक्टर कैसे होता है, चित्र में देखिए, उसे हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं, ट्रैक्टर। ग्यारहवां चित्र जो है वह ट्रैक्टर का है, ट्रैक्टर कैसे लिखना है यह भी तुम्हें देखना है। हिंदी में ऐसे ट्रैक्टर लिखते हैं, ट्रैक्टर, र का उच्चार होता है देखिए यहाँ, ट्रैक्टर। और रोमन लिपि में टी आर ए सी टी ओ आर ऐसे ट्रैक्टर लिखते हैं, लिखते हैं टी आर ए सी टी ओ आर ट्रैक्टर। और मराठी में ट्रैक्टर कहते हैं, मराठी में ट्रैक्टर, मराठी में उसे क्या कहते हैं, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कहते हैं। अगला चित्र जो दिखाई दे रहा है बारह नंबर का वह है कमीज, कमीज बारह नंबर का जो चित्र है वह किसका चित्र है, कमीज, कमीज। इसका रोमन लिपि में ऐसे लिखेंगे के ए एम डबल ई जे, कमीज, के ए एम, के ए एम डबल ई, डबल ई जे कमीज। और मराठी में उसे क्या कहते हैं मालूम है तुम्हें, मराठी में इस कमीज को क्या कहते हैं, सदरा, कमीज को क्या कहते हैं, सदरा, सदरा। देखिए बच्चों, यह जो चित्र दिए गए हैं कई प्राणियों के चित्र है, कई वस्तुओं के चित्र है, और इनका हमें क्या करना है, निरीक्षण करना है और उनका रोमन लिपि में अंक लेना है। तो अगला जो चित्र है तुम्हें दिखाई दे रहा है वह हर रोज तुम भी देखते हो, उसका अगला चित्र जो है वह बैल का चित्र दिखाई दे रहा है। तेरह नंबर का चित्र जो है, तेरह नंबर वो किसका चित्र है, बैल। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, बैल, बैल का चित्र दिखाई दे रहा है। और रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे बैल को, बी ए आर एल बैल, बी ए आर एल बैल।
और मराठी में क्या लिखेंगे, बैल को बैली कहते हैं। मराठी में क्या कहते हैं, बैल को बैली कहते। और अगला चित्र जो है वह चित्र, तुम जब एक गांव से दूसरे गांव जाते होंगे तो रिक्शा से जाते होंगे कभी कभी, तो यह चित्र जो दिखाई दे रहा है वह ऑटो रिक्शा का चित्र दिखाई दे रहा है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इस चित्र को ऑटो रिक्शा। चौदहवा चित्र जो है वो है ऑटो रिक्शा का चित्र है, ऑटो रिक्शा। और इसे रोमन लिपि में तुम कैसे लिखेंगे, तो AUTOR ऑटो रिक्शा, RIKSHA ऑटो रिक्शा, AUTOR ऑटो, AUTO रिक्शा, RIKSHA ऑटो रिक्शा, इसे मराठी में भी ऑटो रिक्शा ही कहते हैं। मराठी में क्या कहते हैं, ऑटो रिक्शा कहते हैं, ऑटो रिक्शा। अगला चित्र जो दिखाई दे रहा है वह गाय का चित्र है। देखिए बच्चों, गाय अंक पंद्रह जो है वह गाय का चित्र दिखाई दे रहा है। गाय को रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे, गाय हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसे ही रोमन लिपि में शब्द आता है, GAYA गाय, GAYA गाय। और मराठी में इसे गाय ही कहते हैं, गाय मराठी में भी इसे क्या कहते हैं, गाय। अगला चित्र देखिए, 16 नंबर का जो चित्र है वह चित्र कौन सा दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो 16 नंबर का चित्र है दैनंदिनी दिखाई दे रही है तुम्हें, दैनंदिनी। इसे डायरी भी हम कहते हैं, दैनंदिनी को डायरी, जो दैनंदिनी होती है तुम हर रोज दैनंदिनी लिखते होंगे, यह दैनंदिनी को क्या कहते हैं, डायरी भी कहते हैं। तो अगला चित्र है 16 नंबर का दैनंदिनी, इसे डायरी को क्या कहते हैं, दैनंदिनी। हर रोज जो हम सुबह से शाम तक कौन कौन सी क्रिया करते हैं वह दैनंदिनी में लिखते हैं, काम करते हैं वह दैनंदिनी में लिखते हैं। दैनंदिनी यह रोमन लिपि में DAINAN कैसे लिखेंगे, देखिए DAIN दैनंदिनी, DAIN ANDRINI दैनंदिनी, DINR दैनंदिनी, DINR इसे मराठी में भी क्या कहेंगे, दैनंदिनी ही कहेंगे, मराठी में भी दैनंदिनी ही कहते हैं। और यह चित्र दिखाई दे रहा है, तुम गांव जाने होंगे तुम्हें तो तुम बस से जाते आते होंगे। यह चित्र में लिखा है, देखिए धूम्रपान मना है, प्रदूषण के बारे में यहाँ बताया गया है, इस बस पर लिखा है धूम्रपान मना है। तो हिंदी में जो 18 चित्र दिखाई दे रहा है तुम्हें उससे बस कहते हैं, बस 18वां चित्र जो है वो किसका है, कौन सा है, बस 18वां जो चित्र है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है बस। और रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे, BUS बस, रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे, BUS बस। और मराठी में भी उसे क्या कहेंगे, बस ही कहेंगे। और रह गया एक चित्र तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह है लारी,
लारी हिंदी में इसे क्या कहते हैं, उन्नीसवा चित्र देखिए, उन्नीसवा चित्र जो है वो क्या दिखाई, कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, लारी, इसे क्या कहते हैं, लारी कहते हैं और ट्रक भी कहते हैं। लारी यानी इसका दूसरा अर्थ है ट्रक। लारी एल डबल ए आर आई, रोमन लिपि में यह कैसे लिखेंगे, एल लारी एल डबल ए आर आई, एल डबल ए, एल डबल ए आर आई लारी। और ट्रक, ट्रक का रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे, टी आर यू सी के ट्रक, टी आर यू सी के ट्रक, टी आर यू सी के, टी आर यू सी के ट्रक। और मराठी में भी कैसे लिखेंगे, ट्रक, मराठी को लारी को ट्रक, मराठी में इसका नाम क्या होता है, ट्रक ही होता है। तो बच्चों आज हम यह जो मुझे जानो पाठ है, इस मुझे जानो पाठ में जो नई नई वस्तुएं है और चित्र दिए गए हैं प्राणियों के, वस्तुओं के, इसके बारे में अभी हम देखेंगे, देख लिए हैं। तो तुम्हें भी यह चित्र देखना है और इसका, इसके बारे में पढ़ाई करना है, तो धन्यवाद।